नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल स्टडी पॉइंट 7 पर। भारत के इतिहास के क्रम में ये दक्षिण भारत से संबंधित वीडियो है। इसका पहला पार्ट जिसमें 32 क्वेश्चन हमने देखा था उसी को आगे हमने बढ़ाया है। यहां पर भी 32 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये जो पूरा कलेक्शन है ये 1990 से लेकर के 2020 तक का है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो, सेकेंड पार्ट दक्षिण भारत। प्रश्न है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द द्योतक था किस चीज को वो प्रदर्शित करता था? एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, या फिर हाथी दांत का, या फिर नृत्य के लिए यवन राजसभा में भेजे जाने वाले नर्तकियों का, या फिर काली मिर्च का। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा कि यवन प्रिय काली मिर्च को बोला जाता था। अभी क्यों बोला जाता था? क्योंकि जो भारत की जो काली मिर्च थी वो यूनानी और रोम वासियों को बहुत ही प्रिय थी, इसलिए संस्कृत ग्रंथों में यवन प्रिय कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है, किससे संबंधित है? प्रशासन से संबंधित है, या विधि से संबंधित है, या व्याकरण और काव्य से संबंधित है, या इन सभी से इसका संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा कि तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है यह व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तोलकाप्पियम के प्रणयकर्ता कौन थे? तो इनके प्रणयकर्ता थे तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर कौन थे? तोलकाप्पियर जो है ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से ये एक थे। और तोलकाप्पियम ये तमिल व्याकरण ग्रंथ है और इसका जो रचना है वो सूत्र शैली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम साहित्य में तोलकाप्पियम एक ग्रंथ है, तमिल कविता का, तमिल व्याकरण का, या तमिल वास्तुशास्त्र का, या फिर तमिल राजशास्त्र? तो अभी इसका आंसर हम लोगों ने देखा तो तोलकाप्पियम तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलंगो थे, या फिर परणर थे, या फिर करिकाल थे, या फिर विष्णु स्वामिन थे? तो शिल्पाधिकारम के जो है जो लेखक थे आडिगल थे। तो इस प्रकार इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और शिल्पाधिकारम यह संगम साहित्य का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है और ये जो इलंगो आडिगल थे ये नरेश करिकाल का पौत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें सूची मिलान करना है। तो पहली सूची में दिया हुआ है तिरुक्कुरल, दूसरा है तोलकाप्पियम, तीसरा है शिल्पाधिकारम और चौथा है मणिमेकले। तो इसका हमें मैच कराना है सूची दूसरे के साथ। तो तिरुक्कुरल का जो है संबंध होगा दर्शन के साथ, तो ये दूसरे से मैच कर जाएगा। तोलकाप्पियम इसका संबंध है व्याकरण के साथ, तो ये चौथे से मैच कर जाएगा। शिल्पाधिकारम इसका संबंध है प्रेम कथा के साथ, तो ये पहले से मैच कर जाएगा। और मणिमेकले ये जो है वडिक कथा से संबंधित है, तो तीसरे से मैच कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? मदुरे से पता चलता है, या फिर ताम्रलिप्त से पता चलता है, या फिर तोंडी से पता चलता है, या फिर अरिकामेंडू से पता चलता है? जो रोम और भारत के बीच का घनिष्ठ व्यापारिक संबंध की जो सूचना मिलती है वो हमें अरिकामेंडू से पता चलता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब ये अरिकामेंडू है कहाँ? ये पौंडिचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में कोरोमंडल तट है और पेरी प्लस में इसे पोडुके बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरी प्लस ऑफ दी एरिथ्रीसियन सी के लेखक को ज्ञात था? अरिकामेंडू, या फिर ताम्रलिप्ति, या फिर कोरके, या फिर बारबेरिकम? तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो अरिकामेंडू होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है, रोमन बस्ती कहां से प्राप्त हुई? कालीबंगा से, या फिर अरिकामेंडू से, या फिर रंगपुर से, या फिर सतारा से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अरिकामेंडू हो जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्फोरा जार होता है, छिद्रयुक्त जार है, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार है, या फिर चित्र धूसर जार है, या फिर काला और लाल मिट्टी का जार है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा?
ये लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो प्राचीन काल में ये जो जार है लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार, इसका प्रयोग तेल या फिर शराब को रखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदंब या फिर चेर या फिर चोल या फिर पांड्य? तो इसका आंसर हो जाएगा कदंब, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। संगम साहित्य में किसका उल्लेख देखने को मिलता है, तो वो है चोल, चेर और पांड्य, इन तीनों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसमें जो चेर, चोल, पांड्य के जो राजा थे उनके उद्भव का और विकास का विवरण इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? चेर, चोल, पल्लव या फिर पांड्य? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, पल्लव होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? ग्रीक में है या फिर तमिल में है या तेलुगु में है या फिर पाली में है? तो कुरल जो है वो तमिल भाषा में है और ये तमिल साहित्य का एक तरीके से बाइबल कहा जाता है तथा लघु वेद भी माना जाता है। इसको एक दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है, उसको हम बोलते हैं मुप्पाल। अब इसकी रचना किसने की थी, तो इसकी रचना की थी कवि तिरुवल्लुवर ने की थी और जन श्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर को ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? नंद कलंबकम या फिर कलिंगत्तुपर्णी या फिर पेरीय पुराणम या फिर कुरल? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लघु वेद की संज्ञा जिसको मिली है वो कुरल को मिली है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक था? कंबन या फिर कुट्टन, नन्नय या फिर टिक्कण? तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा, कंबन हो जाएगा और कंबन ने 12वीं शताब्दी में रामायणम की रचना की थी और भाषा इसके लिए जो प्रयोग की गई वो तमिल भाषा प्रयोग की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रश्न में हमें सूची का मिलान करना है, तो गुप्त का अगर हम देखेंगे तो संबंध होगा इस ऑप्शन में से तो देवगढ़ के साथ होगा, तो इसका चौथा हमारा सही होगा। अब ये क्यों होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में देवगढ़ एक ऐसी जगह है जहां पर गुप्तकालीन दशावतार मंदिर देखने को मिलता है। दूसरा देखते हैं, चंदेल का जो संबंध होगा वो खजुराहो के साथ होगा, तो इसका तीसरे से मैच कर जाएगा। तो खजुराहो कहां पर है, ये छतरपुर में है। कौन सा छतरपुर, मध्य प्रदेश वाला छतरपुर। और यहां पर चंदेल शासकों की कला के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलते हैं। यहां लगभग 25 मंदिर खड़े हैं जो विष्णु, शिव तथा जैन तीर्थंकरों की उपासना में निर्मित कराए गए हैं। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। और चालुक्य से संबंधित अगर देखेंगे तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ये पहले से मैच कर जाएगा, बादामी से मैच कर जाएगा, क्योंकि बादामी क्या थी, ये चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी, ये कर्नाटक में स्थित है। और ये जो पनेल का जो संबंध होगा वो पल्लव के साथ हो जाएगा, ये पल्लव के साथ मैच कर जाएगा। तो इसके अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? चतुर्वेदी मंगलम या फिर परिषद या फिर अष्ट दिग्गज या फिर मणिग्रामम? तो भारत में व्यापारियों का जो निगम था वो मणिग्रामम था, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब एक और था, उसको हम बोलते हैं क्या, वलंजियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? चोल और उत्तर चालुक्यों के मध्य हुआ था या फिर चोल राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था या फिर चोल होयसल के मध्य हुआ था या फिर चोल और पांडवों के मध्य हुआ था? तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, तो ये संबंधित है तक्कोलम के युद्ध से। तो परांतक प्रथम के जब आखिरी समय चल रहा था तो राष्ट्रकूट का जो शासक था वो कृष्ण तृतीय था, उसने सहायता ली किसकी, बुतुग द्वितीय की ली और उनकी सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त कर दिया था और उसके तदनुसार तंजौर पर उसने अधिकार कर लिया। अब इसके उपलक्ष्य में जो कृष्ण तृतीय थे
इन्होंने तंजयु कुंड की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनवी ने किया, या फिर बख्तियार खिलजी ने किया, या फिर मोहम्मद गौरी ने किया, या फिर मलिक काफूर ने किया? तो पहले इसकी कहानी देख लेते हैं, तब इस प्रश्न का उत्तर निकाल पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो करीबन 1250 ईस्वी के लगभग होयसल और पांड्य राज ने चोल राजा राजेंद्र तृतीय को परास्त कर दिया। तो ये चोल राजा राजेंद्र तृतीय पांड्य की अधीनता में 1279 तक इन्होंने शासन किया, और इसके बाद चोल राज्य के स्वतंत्र अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं देखने को मिलता है। फिर मलिक काफूर जो थे, मलिक काफूर ने लगभग 1310 ईस्वी दक्षिणी राज्य पर विजय प्राप्त की थी, जिसमें उसने किन किन को जीता? तो यादव, काकतीय, होयसल और पांड्य राजाओं को जीता। तो इतनी व्याख्या के अनुसार अगर देखेंगे तो हमारा इसमें डी ऑप्शन ज्यादा निकट है, इस प्रश्न के डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम युग में उरयूर किस चीज के लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या फिर विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था? तो उरयूर जो विख्यात था संगम युग में, वो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये है कहां पर? तो ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर ये अवस्थित है, और ये संगम के समय का, संगम काल का सबसे महत्वपूर्ण नगर हुआ करता था। यहाँ पर उरयूर में सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, और ये सब जो चीजें हैं इसका विवरण कहाँ देखने को मिलता है? तो अभी एक हमने पुस्तक बताई थी, उस पुस्तक का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, उसमें इसका विवरण देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? कोरके, या फिर पुहार, या तोंडी, या फिर मुसिरी? तो इसमें हमारा कौन सा सही होगा? तो तोंडी और मुसिरी ये हमारे सही होंगे। तो तीसरा, चौथा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इसका भी जो व्याख्या है वो कहां से हमें मिलता है, विवरण कहां मिलता है? तो वही पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, वहीं से इसके बारे में पता चलता है। तो दो और इसके जो है प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलते हैं, एक है नौरा और एक है नेलिसंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री के लिए, या फिर राजस्व मंत्री के लिए, या फिर सेनाधिकारी के लिए, या फिर राजा के लिए? तो इसमें जो कौन को और मन्नन है, इनके ये किसको बुलाया जाता था? ये राजा को बुलाया जाता था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय संगम हुआ था कहां पर? अरिकामेंडू में, या फिर एर्नाकुलम में, या फिर मदुरई में, या फिर तुकोरिन में हुआ था? तो कहां हुआ था? तो मदुरई में जो तृतीय संगम हुआ था। अब इस संगम का मतलब क्या है? संगम का मतलब है कवियों की गोष्ठी। इस गोष्ठी में कवियों द्वारा जो भी रचना बनाई जाती थी, रचना की जाती थी, उसको नाम दिया जाता था संगम साहित्य। संगम युग में दक्षिण भारत में पांडव राजाओं के संरक्षण में तीन संगम आयोजित किए गए थे। तो पहला संगम कहां पर हुआ? वो हुआ मदुरई में। अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। दूसरा संगम कहां पर हुआ? तो ये हुआ था कपाटपुरम। तो दूसरे संगम की अध्यक्षता किसने की थी? तो अगस्त ऋषि के बाद में तुलकापियर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और जो तीसरी संगत हुई थी वो मदुरई में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो नक्कीरर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था? तो विश्वामित्र है, या फिर अगस्त्य है, या फिर वशिष्ठ है, या फिर सांभर है? तो दक्षिण भारत का आर्यकरण जो करने वाले थे वो अगस्त्य जी थे। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको जो है, अगस्त ऋषि को ही जो है तमिल साहित्य का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर सूची का मिलान करना है। तो एक तरफ वंश दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी हुई है।
तो हमें इसका मैच कराना है। तो चालुक्य का जो चालुक्य की जो राजधानी थी वो थी बादामी, तो तीसरे से मैच कर जाएगा। पल्लव की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी, तो चार से मैच कर जाएगा। और हर्ष की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी, तो ये दूसरे से मैच कर जाएगा। और पांड्य की जो राजधानी थी वो मदुरई थी, तो ये पहले से मैच कर जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पल्लव कांचीपुरम, पांड्य मदुरई, चेर पुडुचेरी या फिर चोल तंजौर। तो पल्लव की कांचीपुरम ये राजधानी थी, ये सही है बिल्कुल। पांड्य की मदुरई थी, ये भी बिल्कुल सही है। चोल की तंजौर थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन चेर की राजधानी पुडुचेरी नहीं थी, तो इसका सी ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग सही होगा। तो फिर चेर की राजधानी थी कौन सी? तो उसको बोला जाता है वांजी अथवा वांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? फाहयान ने दिया है, या फिर वेन सॉन्ग ने दिया है, या फिर इत्सिंग ने दिया है, या फिर मातवालीन ने दिया है। तो भारत और चीन के संबंध का जो विवरण दिया है वो मातवालीन ने दिया है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? चालुक्य, या फिर राजपूत, या गुप्त, या फिर मौर्य। तो इसमें से देखेंगे तो चालुक्य है, इन्होंने जो उत्तर भारत में शासन नहीं किया था। इनका जो शासन था वो दक्कन का भाग था, और जो है दक्षिण भारत में इनका शासन केंद्रित था। इनकी जो राजधानी थी वो थी बादामी, बादामी को वातापी भी बोला जाता था। और पुलकेशिन द्वितीय यहाँ के सर्वप्रथम शासक थे, इन्होंने लगभग हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कदंब राजाओं की राजधानी थी तंजौर, वनवासी, कांची या फिर बादामी। तो कदंब के राजाओं की जो राजधानी थी वो वनवासी थी, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। तो तंजौर किसकी राजधानी थी? तो तंजौर थी ये चोलों की। कांची किसकी राजधानी थी? तो ये थी पल्लवों की। और बादामी किसकी थी? तो ये थी चालुक्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईस्वी पूर्व में एक दूत को रोम राज्य भेजा? वो कौन थे? चोल थे, या चेर थे, या फिर पांड्य थे, या फिर चालुक्य थे? तो इसमें देखेंगे तो पांड्य ने जो है एक दूत को रोम राज्य भेजा था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। तो मदुरई में है, या फिर पुदुकोट्टई में है, या फिर श्रीरंगम में है, या फिर तंजावुर में है। तो इसका आंसर आपको मेरे ख्याल से पता होगा, मदुरई में है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मदुरई में अवस्थित है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसमें हमें सुमेलित करना है। एक तरफ मंदिर और मठ के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ स्थान दिया हुआ है कि वो कहाँ पर है, तो इसको हमें मैच कराना है। तो मीनाक्षी मंदिर का जो संबंध होगा वो कहाँ से होगा? वो मदुरई से होगा, बालाजी विश्वनाथ से होगा, तो ये दो से मैच कर जाएगा। वेंकटेश्वर मंदिर किससे संबंधित है? ये तिरुमाल से है, आंध्र प्रदेश में है, तो इसका एक से संबंध हो जाएगा। महाकाल मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये उज्जैन से संबंधित हो जाएगा। और बेलूर मठ कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल हावड़ा में है, तो ये तीसरे से मैच कर जाएगा। इसके अनुसार देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज के वीडियो के टोटल 32 क्वेश्चन। इसके बाद जो टॉपिक आएगा, जो विषय होगा, वो प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के ऊपर होगा। इससे पहले अगर वीडियो जो भी डाली गई है इतिहास से संबंधित, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी पॉइंट 7 के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।